साधारण सा दिखने वाला फल आंवला कई पोषक तत्वों की खान है। इसे नमक के साथ कच्चा भी खाया जाता है और इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। आंवले का मुरब्बा बहुत से लोगों की पसंद होता है क्योंकि आंवले का मुरब्बा नाम मात्र गुणात्मक और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। यहाँ जानिए खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाने के तमाम फायदे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अच्छा, आंवले के मुरब्बे के क्या क्या फायदे? आंवले का मुरब्बा जो है वो एक तो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी होता है बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। खासतौर से इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ये ज़्यादातर पूरे शरीर के जितने भी अंग होते हैं सब पे ही काम करता है। दिमाग को भी शक्ति देता है, मेमोरी भी बढ़ाता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है और स्किन को भी डिटॉक्सीफाई करता है। खासतौर से स्किन डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। तासीर में ठंडा होता है तो गर्मियों में तो आप खा सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा आपको उसको। हाँ, मुरब्बे का एक आंवले के कम से कम 2 पीस लीजिए और उसको पानी से धो लीजिए पहले, क्योंकि पानी से अगर नहीं धोएंगे तो उसमें क्या होता है कि पेट में कब्ज हो सकता है। उसको पानी से धो के खा लीजिए, उससे एक तो शुगर कंटेंट नहीं जाएंगे आपकी बॉडी में, आराम से आपको फ़ायदा होगा। सुरेश चंद, सहायक प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केंद्र। घर पर बनाने के लिए बड़े साइज का आंवला लेना है। आंवले को कम से कम 24 घंटे के लिए सादा पानी में उसको रख देना है। दूसरे दिन उसको निकाल के गोदने वाले कांटे के साथ ऐसे उसे गोद लेना है अच्छी तरीके से। गोदने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो जब आंवला गुद जाए तो उबलते हुए पानी में उसको डाल देना है। फिर जब धीमी आंच पर उसको पकाना है, जो आंवला अगर मुलायम हो जाए फिर उसको निकाल देना है उसमें से। फिर चाशनी बनानी है। अगर 1 किलो आंवला है तो 1 किलो 250 ग्राम चीनी और 300 ग्राम उसमें पानी मिला के चाशनी बनाएं। चाशनी जब चीनी घुल जाए फिर उसमें जो उबाल उबले हुए आंवले हैं उसमें डाल देना है। फिर उसको रख देना है एक दिन छोड़ के, यानी कि तीसरे दिन उसको आंवले को निकाल के फिर चाशनी को गाढ़ा करना है। ऐसे ही कम से कम हफ्ते में हमें 3 या 4 बार खाएं। आंवला जो फल होता है वो पानी छोड़ता है और पानी चाशनी को हमें गाढ़ा करना है धीरे धीरे।